सैर बस का पता नहीं था खोल सैर सैर खोल के चला गया कहीं। जब कमीने अरूज पाते हैं तो कमजर्फ लोग जो है ना अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे रोना आ रहा है क्योंकि कहीं दुख है। डकी भाई ने ये बहुत गलत किया है। हम लोगों ने बाहर से बेगम ने जैसे बताया हम लोगों ने बाहर से वीडियो स्टार्ट की है। घर से हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं क्योंकि उस साइड पे है शहर और शहर से हम लोग बाहर आए हैं इस साइड पे, क्योंकि आज मैं पिछले आपने दो तीन वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको जगह वगैरह जो है वो दिखाई है और जहाँ पर हम लोगों ने मकान बनाना है। तो बेगम को आज मैं घर से लेकर निकला हूँ, मैंने कहा भाई आपको भी दिखा दूँ क्योंकि हमने जगह के पैसे जो है वो दे दिए। तो अब जगह जो है वो हमने किस जगह पे बनानी है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जिसको जो हमें जगह दे रहा है उसकी काफ़ी मतलब उसकी ज़मीन पड़ी हुई है, काफ़ी नहीं मतलब 3 मुरब्बे वो पड़ी हुई है। उस उन्होंने कहा उस जगह पर कहीं भी आप बना लो, जैसे कि ये एक मकान बना हुआ है और ये साथ सड़क गुजर रही है तो इसी तरह ये भी मतलब, और इसके अलावा आगे भी जगह कुछ काफ़ी जगह पड़ी हुई है। वहाँ पे मुझे एक पसंद आई थी वो भी बेगम को मैं दिखाऊंगा भाई वहाँ पे बना लें या कहीं और बना लें। बहरहाल जी जगह बेगम को दिखाने के लिए घर से लेके इसको निकला हूँ और वैसे भी घर से निकलने के लिए ना बहुत तेज़ है, कहती मैं घर से निकल ही जाऊँ तो साथ आलिया बानो भी है तो हम लोग जा रहे हैं जी जगह देखने। अच्छा उससे पहले जो है ना बेगम को एक मैंने सरप्राइज देना था पर नहीं देता यार, चलो दे दो। नहीं नहीं अब रहने दो आ जाओ, तो बेगम को लेके चलता हूँ वहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे देखे ये भी उन्होंने मतलब ये सारा जो रकबा है ना ये सारा सरकारी पड़ा हुआ है, तो ये भी किसी ने मतलब मकान बनाया नलका वगैरह बनाया तो फिर उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ऐसा होता है भाई लोगों ने अपने मतलब ठेके लिए हुए, जैसे ये ठेका लिया हुआ है तो यहाँ से उन्होंने मतलब वो बीच में जगह आगे फरोख्त कर देते हैं और यहाँ पे पूछने वाला तो है नहीं कोई, तो इसी तरीके से हमें कोई बनाने नहीं देता तो इसलिए हमने जगह ले ली है। मतलब कि उन्होंने यहाँ पे वैसे अगर मालकी सड़क के उस साइड पर मालकी है वो अगर मालकी देखी जाए तो यहाँ पर 2.5 लाख 3 लाख मरला है, अगर यहाँ पे सरकारी मतलब देखी जाए तो यहाँ पे 32,000 35,000 40,000। हम लोगों ने 32,000 के हिसाब से 5 मरले जगह ली है जो अब बनानी है। तो फिलहाल बेगम को लेके चलते हैं जी वहाँ पे। हम लोग पहुँचे हैं दूसरी साइड पे, पहले वहाँ उस साइड पे थे अब आ गए हैं इस साइड पे क्योंकि ये बीच में रकबा आ गया और ये इस साइड पर जो है ना ये काफ़ी घर है। मैं आपको घर भी दिखाता हूँ, फिलहाल मैं आपको जगह दिखाऊँ जिस साथ ये पानी की वो खाल गुजर रहा है और ये सारा रकबा जो है ना ये सारे सरकारी पड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये प्लाट अलग है, है? अच्छा मुर्गी को देख के पागल हो गई मुर्गी यहाँ पे। अच्छा ये जगह जी वो वहाँ से मिट्टी से लेके ये सारी ये किसी ने पहले मतलब यहाँ पे मकान बनाया था, ये मतलब कीकर वगैरह हट जाएंगे बल्कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये किसी ने पहले घर बनाया हुआ था तो फिर उसने जो है ना छोड़ दिया, तो जिसको मैंने पैसे दिए उसने बोला भाई अगर यहाँ पे अगर बनाना चाहते तो ये एरे वगैरह इन्होंने बनाए हुए नीचे तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, मतलब कीकर वगैरह यहाँ से हटा के यहाँ पे आप बना सकते हैं। मैं सर से दिखाऊं तो ये देखें ये पहले किसी ने कच्चा बनाया हुआ था, ये 5 मरले जगह पहले से मतलब वो है, एक ये भी पड़ी हुई है वो उन्होंने कहा वो नहीं देनी तो ये है, यहाँ से ये बिजली भी गुजर रही है। तो ये जगह पीछे काफ़ी मकान है, ये मैं बाहर वाली साइड पे खड़ा हूँ हाँ इस साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो वो आगे काफ़ी घर है रिहायशी हैं, इसके उस साइड पे भी रिहायश है। तो ये भी एक जगह है बेगम, इसकी सफाई होने वाली है तो ये यहाँ से मतलब कीकर वगैरह हट जाए तो जगह ये भी सही है, ये साथ खाल है ये साथ पोल है बिजली का, मुझे पसंद है जब बैठना है तो अब मालकी तो हम लोग ले नहीं सकते तो ये उसके अलावा ये जगह
ये उस घर के नुक्कड़ से यहाँ तक ये छोड़ के उस साइड पे जो है वो सामने देसी जो कीकर नज़र आ रहा है वो, और पीछे तक वो आगे तक वो कह रहे हैं ये सारी जगह ये भी आप रख सकते हैं, इधर रखनी है वो रख लो, ये पांच मरले वो कह रहे हैं ये रखनी ये रख लो, ये ज़्यादा बनती है वो कह रहे हैं भाई आप ना सारी रख लो कोई मसला नहीं है वो पांच मरले के हिसाब से। हाँ तो ये भी खाल के बिल्कुल नज़दीक है, तो एक जगह और है वो भी देखते हैं फिलहाल, वो बाईपास वाली है वो बाहर से है वो भी दिखाता हूँ, वो देखे उस साइड पे भी घर है, तो काफ़ी घर मतलब यहाँ पे रिहायश है, ये कलोनी है मतलब मुकम्मल बनी हुई तो है सारी, ये रकबा सरकारी, यहाँ पे लोग मतलब बेचते हैं ना मतलब कब्जे कर करके। तो चलते हैं जी आगे, एक घर है वो भी दिखाते हैं। हम लोग ये इस जगह पे पहुँचे हैं, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस साइड भी रास्ता है इस साइड भी रास्ता है, उस कलोनी से हम लोग इस साइड पे आ गए, ये है जी जगह, बेगम को भी बताइए। मैंने ये नाल बहुत पसंद है नाल, क्योंकि उनके नाल बच्चे ना स्कूल ही नेड़े लगता है, तो उन जी ना जगह सही है, खुशहाल ही है, तो उन जी सही जगह। तो बहरहाल ये जगह जो है ना मुझे भी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे बोली है लेकिन वो कह रहा जी ये आपको 40,000 के हिसाब से देंगे, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू मैंने 32,000 के हिसाब से बात की है। तो बहरहाल जी इस जगह की आज फाइनल करते, तो चलते हैं जी फिलहाल उनके घर पे। माशाल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं, और बेगम ने रास्ते में लिए हैं जी केले, साथ है क्या लिया, गोश्त ले लिया और दूध ले लिया और टमाटर मिर्ची ले लिए, मैंने बोला मिलक शेक जाके बनाएंगे क्योंकि बहुत थक गए, बहुत जलील हो गए, मेरा तो खजल ख्वार हो गए, खजल तो ख्वार हो गया और मेरा खीर आ गया, मैंने बोला दफा करो मकान लेना भी नहीं, जगह लेनी भी नहीं, क्या कर इतना 10 दिन हो गए जलील हो रहे, कभी नस जा रहा कभी मैं जा रही हूँ, वो जलील हो गए ना, जलील वाकई जलील हो गए जी। अच्छा जी एक और चीज़ बताएं भाई, लोग बेईमान कैसे होते हैं वो भी आपको बताते हैं, और हमारे साथ क्या हादसा हुआ है वो आपको बताते हैं। फिलहाल पानी वगैरह जो है ना वो पी लें क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। बेगम पहले बना शेख, शेख बना हमें पिला, शेख बना और कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, और मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं खाया मैं तो ऐसे ही हूँ। तो पहले पानी पीते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हादसा पेश है, हमारे साथ क्या हो गया, जगह हमने कहाँ ली नहीं ली, और उन्होंने हमारे साथ कैसा सलूक किया वो सारा आपको बताते हैं। फिलहाल पानी पी, लो जी मेरे लिए आ गया जी मिल्क शेक बनके, और माशाल्लाह जी इधर खड़े होके पीना और बैठ के पीना है, मैंने बैठ के ही पीना है, खड़े होके भी पीना है, आधा बैठ के आधा खड़ा होके। माशाल्लाह जी जूस वगैरह जो है वो मैंने पी लिया है, तो जो है मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मैं बाहर एक चीज़ देखने जा रहा हूँ, बंदा एक आया मैं उसको देख लूँ, कोई भी नहीं आया, कहाँ गया सैलबस का है, सैलबस का पता नहीं खोल के चला गया कहीं। ये मेरे बेटे की दुकान है नाइयों वाली, और नाई पता नहीं कहाँ चला गया, अभी आवाज़ आ रही थी बंदे की पता नहीं, वो मेरे ख्याल में कोई बंदा है, बंदा कोई आया मेरे ख्याल में चला गया। अच्छा जी सबसे पहले तो बताएं भाई, बल्कि मरियम को मैं मिलवा दूँ फिर बाद में बात करता हूँ, बात नहीं करने दे रहे। अच्छा मेरी बेटी आई हुई है, सबसे पहले
अच्छा हम लोग गए हुए थे जी जगह देखने के लिए, वापस आया तो मरियम माई आई हुई थी, शगुफ्ता माई भी आई है लेकिन वो बहन को छोड़ने के साथ लाइट गई बंद की है। अच्छा जी सबसे पहले तो आपको एक अफसोसनाक खबर बताता हूँ और उसके बाद दूसरी भी अफसोस है लेकिन दूसरी थोड़ी खुशी वाली भी है। सबसे पहले तो खुशी वाली बताएं, दुख वाली बताओ। पहले दुख वाली बताओ क्योंकि मैं मुझे रोना आ रहा है क्योंकि इतनी दुख लग रहा है, इतनी दुख लग रही है, दुख लग रहा है, इतना दुख लग रही है। अच्छा जी दुख वाली बात ये है, सबसे पहले तो यार डक्की भाई वालों का ना अफसोस भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है। उन लोगों ने यार डक्की भाई ने ये बहुत गलत की है। आज उनकी मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही। उन लोगों ने जो है ना अच्छे खासे बड़े व्लॉगर है, बहुत अच्छा उनका मतलब काम चलता है। वो कहते हैं ना जी जब कमीने अरूज पाते हैं तो कमज़र्फ लोग जो है ना अपनी औकात भूल जाते हैं। ये मैं डक्की भाई के लिए नहीं, वैसे जनरल बात मैंने की है, इसको मतलब वो सीरियस नहीं लेना, तो ये मैंने अपने आप पे भी थोड़ा ले लिया क्योंकि जब कमज़र्फ लोग जो है ना वो अपनी औकात भूल जाते हैं ना तो पता क्या से क्या कर बैठते हैं, पता ही नहीं चलता। तो कुछ इसी तरीके से ना जो अब डक्की भाई लोगों की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ है भाई, उन लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की अपने चैनल पर जिसकी वजह से उनको जो है ना उनको मतलब इस टाइम मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो बरह हमारी दुआएं, गलती होगी उनसे तो हमारी दुआएं अल्लाह पाक उन पर रहम करे और अल्लाह पाक उनको जो है ना वापस घर ले आए। तो बाकी रात को वीडियो देखी थी दूसरे चैनल पे, तो बहुत दुख हो उन लोगों का कि उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। और वैसे मैं भी ये कहूँगा भाई अपने आप को बंदा इतना ज़्यादा वो ना करे कि मुश्किल का सामना करना पड़ जाए, इतना रखें ताकि अपनी औकात में हम लोग रहें तो बेहतर है, हमारे लिए भी दुआ करें। और दूसरी बात गलत जो इंसान तय होती है भूल जाता है, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। हाँ तो दूसरी बात ये है भाई, रही प्लाट की बात बाहर चल के बताता हूँ यार, यहाँ पे थक जाता हूँ मैं ना, अंदर कमरे में खड़े होकर ना काफ़ी बहन भाई कहते हैं यार वो क्या बोलते उसको मतलब कि एक जगह खड़े होकर नहीं बात क्या करें। अच्छा दूसरी बात ये है भाई, प्लाट के हवाले से जहाँ पे मैं प्लाट लेने गया था उन लोगों ने मैंने पहले थोड़ा वीडियो में मैं हवाला दे के आया हूँ कि यार ना कुछ लोग धोखा करते हैं और पैसे को देख के भी, वो जो मैंने आपको बताया ना कमज़ार्फ लोग मतलब कोई इस तरह के लोग, अभी वो मेरी वीडियो देखेंगे मुझे पता है तो उनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन जो बात हक है वो वहाँ पर भी मैं करके आया हूँ। उन्होंने मैं वहाँ पर वीडियो बनाने लगा था लेकिन वो फिर गुस्से में खड़ा होता, फिर मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का। मैंने पैसे जी पेमेंट कर दी थी और जगह मेरी 5 मरले जगह मतलब उन देनी थी उन्होंने, जहाँ पे मैंने जगह देखी थी वो लोगों ने उन्होंने अपनी औकात से बाहर आ गए, उन्होंने बोला जी हम लोग 45,000 की वो देनी है, 32,000 की ये वाली देनी है, मतलब कि जो हमें नहीं पसंद थी वो उन्होंने 32,000 के हिसाब से, फिर हमें मजबूरी थी, हमने कहा सरकारी रकबा है तो किसी न किसी तरीके अपना घर बना लें, तो इसलिए हमने फिर वही 4.5 मरले जो है ना उन्होंने हमें 35,000 के हिसाब से दी जबकि 32,000 रुपये उनके साथ फाइनल थी। तो फिर मजबूरी ये थी कि मैंने उनको बयाना दे चुका था, फिर मैंने कहा यार अब मैं रोज़ रोज़ भागता हूँ खर्चा हो जाता है तो चलो कोई मसला नहीं है, मैंने वो जगह के पैसे उनको दे दिए। तो बाकी दुआ करें अब अल्लाह करे कहीं ना कहीं से कुछ सबब बन जाए कि हम लोग वहाँ पर मकान बना लें, तो बाकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो मकान बना ले। हाँ तो बार कोशिश करते हैं कहीं से ना मतलब किसी से मतलब उधार वगैरह लेके कुछ मतलब इस तरीके से वहाँ पे एक आध कमरा बना के हम लोग रिहाइश कर लें, तो बाकी ऐसा ऐसा फिर करते ही रहेंगे। तो बहरहाल आप देखते हैं मेरी नियत है 2-3 बंदों को बोल के ना भट्ठे से कहीं से उधार ईंटें वगैरह कुछ मिस्त्री वगैरह मतलब इस तरह करके ना किसी न किसी तरीके हम लोग वहाँ पे एक आध कमरा साथ वाशरूम साथ नलका वगैरह वो लगवा लें। तो बाकी दुआ करिएगा अल्लाह पाक करम करे, और वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनाता मैं, तो आज की छोटी सी वीडियो मुकम्मल वाच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।